खवातीन हज़रात पिछले दिनों वैलेंटाइन डे गुजरा, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। चाचा कहना बंदे वांगो टोरो तो कमीज लाके मोटे तरह और जब भी घर से निकलता है फोतगी पे जाए किसी जगह भी जाए ना निकाह नामा मेरे जेब में होता है। अपने त्यौहार मनाए ना कि हम दूसरों के त्यौहार अपने त्यौहारों के ऊपर हावी कर दें। कितना अच्छा लेक्चर दे रहे ने भाई साहब, चले जाके देखो पूरे कमरे दिल वाले गुब्बारे लगे। गंदी बात, गंदी 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 गंदी। आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल, टैन टैन देखते रहिए। हाँ ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना जान रैम्बो और मैं आपको दी जान रैम्बो शो में वेलकम करता हूं। खवातीन हज़रात पिछले दिनों वैलेंटाइन डे गुजरा, पूरी दुनिया में मनाया जाता है और पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में भी बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है और बल्कि अब हम पाकिस्तानी अल्लाह के फजल व करम से अपने त्यौहार भूल चुके हैं और दूसरे कौमों के त्यौहार जो हैं वो बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं क्योंकि अब रीत पड़ गई है, उसमें सब मनाते हैं तो सब चल रहा है जी, लेकिन अपने त्यौहारों को नहीं भूलना चाहिए। हम मुसलमान हैं और हमें अपने त्यौहार ही मनाने चाहिए। अच्छा, सारा अपने तो सारे बंद करते, बसंत बंद कर देते, मेले बंद कर देते, मंडियां बंद कर देती, चौंका जी बहना खिलौना बंद कर देता, हुण केड़े त्यौहार मनाइए फिर असीं है। मैं आप ही की तरफ आ रहा था लेकिन आप मेरी तरफ, आप बड़े गुस्से में हैं। मेरी तरफ तुसी की आना जी, इतने ज्यादती है, बंदा अपने घरों बाहर पैर भी नहीं रख सकता। पहले पहले मैं इनको बता दूं कि जी ये मिस्टर एंड मिसेज रिजवान, आप मियां बीवी हैं, आप वैलेंटाइन डे पे पार्क में बैठे बातें कर रहे थे, पुलिस वाला आया इन्हें ले गया और सारी रात इन्होंने हवालात में गुजारी, इसलिए इन्हें गुस्सा चढ़ा हुआ है। मेरी बात करने से पहले ये बोल पड़े सर, मैं पुलिस वाले मैं मैनू क्यों फड़े? अच्छा, मैं तेन इसलिए फड़े, मैं सुबह तक कोई नहीं फड़े। नहीं नहीं, मैं तंग आके फड़े तो फड़िया, असी तो तुम्हें मियां बीवी है जनाब, साल च एक दिन आउंदा सिर्फ। अच्छा। फरवरी का महीना है, उहदे विच एक दिन ऐसा आउंदा है कि बीवी नूं बंदा लैके बाहर निकलदा। नहीं तो पूरा साल क्यों नहीं लेके निकलता, पाबंदी लगी है। बदतमीज आदमी है मेरा मियां, किसे बाहर लेके जाएगा? एक 14 फरवरी नु लेके चला ही गया सी, मैं कह चलो शुक्र है मैं बच्चे घर छड़े, मैं मियां दे नाल पार्क चली गई। इन्हें पहले बच्चे भी छड़े सी। अच्छा, पहले क्या पहले एक बार ऐसे जदों निकले ना उदों भी घर बच्चे छड़ के असीं निकले उथों ते जनाब हुण मैं वेखो पार्क च अपनी बेगम नु लेके बैठा, उथे प्यार मोहब्बत दी गुफ्तगू हुंदी है ना, सारे साल दी माफी मंगनी हुंदी इक दूजे कोलों, ते मैं उहनूं कहा वी भलीए मेरे कोलों कोई गलती होई तां मैनूं माफ कर दे, थोड़ा जे असीं नेड़े सारी जिंदगी मेरी अखां च पाउंदी रही, मैं तेनूं रोकिया कदी? एक वारी मिर्चा पै गई तो बर्दाश्त नहीं है रंबा साहब। हुण मैं मेरा पहले दिमाग खराब है, जिहड़ी बकवास उहनां नूं दसणी जाऊ, मैं सारी रात हवा रात गुजारी तुहाडे करतूत दी वजह तों, राह लैंदे ना नाल रुका ना। पापड़ वाले कोलों जान छुट्टी है जनाब। हां जी, इक बच्चा आया मामा 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 कहिंदा कहिंदा मेरी बीवी दे कोल है गलती नाल, ओ तो मेरी लड़ाई हो गई, मैं गया तेरा वड्डा मुंडा तो मैनूं दस्सिया क्यों? अच्छा, ओ एवें मार रहा है जी, ओ किसे दा बच्चा सी, गलती नाल मैनूं मामा समझ के मेरे कोल आ गया। अच्छा, ओ बच्चा गलती से आ गया। हां जी, ओ तो पार्क च औरतां फिरदियां, उहनां नूं पता नहीं वी आ बच्चा ओहदा ही है, ओ किसे नूं कहण नहीं भैणा मुंडा तेरा, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਹਵਾਲਾਤ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਗਏ? ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਨੂੰ ਆਓ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣੇ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਲਾ ਛਾ ਆਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ, ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡੇਟ ਮਾਰਨ ਆਏ। ਹੈਲੋ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੇਟ ਕੀ ਮਾਰਨੀ ਪਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਵਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਤੇ ਡੇਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਡੇਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਡੇਟ ਮਾਰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡੇਟ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਲਾਂ। ਫੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਿਕਾਹ ਨਾਮਾ ਵਿਖਾਓ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ, ਨਿਕਾਹ ਨਾਮਾ ਨਾ ਹੋਣੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹੀ ਆਪਕੋ ਲੈ ਗਏ? ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਨਾਮੇ ਚ ਮਤਲਬ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਚ ਨਿਕਾਹ ਨਾਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਦਾ ਕਿਹਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਥਾਣੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਨਾਬ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ। ਅੱਛਾ, ਦੁੱਖ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ? ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਕਹਿਤੀ, ਅਜੀਬ ਜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ, ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਪੂਰਾ ਥਾਣਾ ਹਿੱਲੇ, ਹੋਏ ਹੋਏ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਮੰਗਣ 7-8 ਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਬਾਬੀ ਆਪ, ਮੈਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਫੁੱਲ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਡੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਔਰਤਾਂ, ਕਾਤਲ ਔਰਤਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਗਰਟ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪੀਂਦੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਾਣ ਸਿਗਰਟ ਪਿਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀ ਔਰਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਬ ਨੇ ਕਦੀ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਆ? ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਕਦੀ ਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕੀ ਮਤਲਬ
ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅੱਛਾ ਆਪ ਇਨਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ हाँ मैं ही लेके आया हूँ और कौन लेके आया है तुम क्यों पूछ रहे हो तुम इधर मजिस्ट्रेट लगा हुआ है मैं कुछ नहीं लगा हुआ मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि निकाह नामा कौन जेब में रखे फिरता है यार बात सुनो जी मेरा ना कोई वैलेंटाइन से लेना देना है ना कोई दुआ त्रिया हाँ कागजात दिखाओ ते जाओ वो कागजात कैसे रख सकते हैं बेगम है मोटरसाइकिल कापी के कागज में जेब में रखा गाड़ी के कागज होते हैं या मोटरसाइकिल के कागज होते हैं मियां बीवी निकाह नामा लेके कागज दिखाओ यार समझदार आदमी है हाँ जी सियाणा बंदा है वो मिसाल सुने क्या कि मियां बीवी गाड़ी के दो पहिए होता है हाँ होता है हाँ तो गाड़ी बन गया ना बन कागज निकालो सही बात है रामैया वता पैया रामैया वता पैया क्या ओ पैया गड्डी दा हुंदा पाजी ये मिसाल है मियां बीवी दी ए सच्ची मुच्ची पहिए नहीं हुंदे और मेरे च ट्यूब पई है मेरे च केल वाजे ते मैं मशीन ते खड़ा होना भी पक्का पंचर ला दे तुसी भी समझदार हो कोई मियां बीवी निकाह नामा नाल लेके फिर दे नहीं साथ तो लेके कोई तुसी कितनी बारी गए हो भाभी दे नाल कभी निकाह नामा लेके गए नहीं कभी जरूरत नहीं तुसी अखबार रखी हुंदी ज्यादा ज्यादा जी देख लो पाजी साडियां खबरां लगी यार देखो बात सुनो निकाह नामा जरूरी होता है यकीन करो मैं जब भी घर से निकलता है फोतगी पे जाए किसी जगह भी जाए ना निकाह नामा मेरे जेब में होता है उस दिन शदीद ज़लज़ला है कोई बंदा बच्चा निकाल के बाहर भाग रहा है कोई पैसा उठा के बाहर निकल रहा है मैं अपना निकाह नामा उठा के बाहर निकला है और तेरी तो बीवी तेरे खामद नहीं मानती तू तो इसलिए नार रखना कि देखो लोगों को यकीन दो कि मेरी बीवी है आहो तेरी तो अपनी शक्ल मशकूक है निकाह नामा लेके क्यों निकले आप मुझे नहीं समझ आ रहा निकाह नामा बड़ा जरूरी है ना फिर बाहर लोग बातें करता है कि इस चौवल ना किस दे देती है सबूत होता है वो खाला ना भी गल कर लो हिल हिल के उन्हें सारियां गल्लां ठंडियां कर लीं खाला से भी बात करते हैं जी वैलेंटाइन डे की बात हो रही है तो आप मनाने के लिए निकले इन्होंने आपको पकड़ लिया और ये मां जी हैं हमारे साथ हैं जी ये बताएंगी कि इनके जमाने में ये कैसे ये दिन मनाया जाता था तब तो मनाया नहीं जाता था मैंने खुश किया आज ही और की खाला मैंने पता ही नहीं लगा जी 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 अब गाना सुने ही नेड़े आ हाँ जी मैं सुने मेहरबानी की समझते हो अजकल जो दिन मनाए जा रहे मनाने चाहिए वारी नहीं होंगे ना ना साडे वारी कितने दिन साढ़े वारी कोई वारी देन आंदा सी जदो बंदा पसंद करके व्याह के ले जांदा सी हालां दे दौर च ते व्याह दा भी रिवाज नहीं सी हुंदा नहीं क्या मतलब व्याह करो नहीं हुंदा चलो भी अज इकट्ठे होना चलो भी चलो बस ओ नहीं नहीं क्या हो गया ये डी भी कोई गल नहीं इकट्ठे होना इकट्ठा भी 100 150 बंदा इकट्ठा हुंदा सी ठंड नाल हां ताडे किते इक बरगर ते इक फुल इकट्ठा हुंदा ते तुसी मियां बीवी बन जांदे हो गल्ला जी दौर चेंज हो गया तुसी पता नहीं केड़े दौर दे तो भाजी इक घर च इक दीवा बलदा सी हां जी सारे उस दीवे दे नीचे रात नूं लाइट वेखदे रहंदे सी उम्र इनी हो गई ना पुत्र उम्र के हिसाब ना लैना कलाई है ना मां जी तुहानू नहीं लगदा ए आशिकां दा दिन हुंदा है यौमे मुहब्बत मनाना चाहिदा है नहीं बगारती है सिद्धी सिद्धी गंदी गाल सुनेंगी गंदी माई पुराने दौर दी है गाने आज दे याद ने है गाला समझ आई मेरी और गाला सही कह नहीं है आशिकों का ये दिन है ये त्योहार मनाया जाता है वह साडे च भी आशिक होंदे सब मेरे अंबो पुत्र साडे आशिक सुने ही ना जी जी सस्सी पुन्नो हाय हाय हे रंजा सोनी महिवार सोनी महिवार रोमियो जूलियट दोस्तों बहुत अंग्रेज जड़े याद है खाला सारे यार वैसे सब तो ज्यादा आशिक हो अच्छे सर जी पस्सी सुन्नो सस्सी पुन्नो निकाह नामा नहीं मेनू गल दसाए
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਕਾਨਾਮਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਕਾਨਾਮਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਖਾਰਾ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੂਲ ਸੀ। ਆਹ ਆਹ ਕੋਈ ਨਕਾਨਾਮਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਤਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਸ ਕਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸੁਚਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਚਲੇ ਤੋ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਨਾ ਚਲੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਜੀ ਹੋ ਜੀ ਕਿਉਂ ਅਮਾ ਕਿਆ ਬਤਾਓ ਇਨਕੋ ਐਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੰਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਯਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨੀ ਚਾਚੀ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਟੁਰ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢੇ ਟਰਕ ਲਈ ਆ ਜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਟੁਰ ਪੈਣੀ आप हर साल मनाते हैं ये दिन? जी हर साल मनाते हैं। नहीं मेरी बात सुने, आप मियां बीवी हैं, आप ये कोई भी दिन मना सकते हैं। प्यार मोहब्बत का कोई एक दिन होता है? अल्लाह तेरी जिंदगी 365 दिन है, एक ही दिन आपने प्यार तेरा चाचा हर रोज ये दिन मनांदा सी। अच्छा ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇਣਾ, ਫੁੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤਬੀਅਤ ਹਰੀ ਹਲਾ ਹਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਝਾੜ ਦੇਣੀ, ਫੁੱਲੀ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਹੱਥ ਤੋਂ ਆਪ ਐਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਬਾਤ ਆ। ਜਵਾਨੀ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਮਾ ਜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਗੋਭੀ ਕਾ ਫੁੱਲ ਲਗਤਾ ਹੋਗਾ, ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਲਗਤਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਗੋਭੀ ਕਾ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਕਾ ਫੁੱਲ ਲੇ ਰਹੇ। ਯਾਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਈ। ਅੱਛਾ ਰੰਬੋ ਸਾਹਿਬ ਡੰਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਰਾਤੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਚੂਪ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੰਡਾ, ਇਹ ਚੂਪ ਗਿਆ ਡੰਡਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਈ ਸੋ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵਹਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਤਬੀਅਤ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਵੀ ਉਸ ਫੁੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਲਪੇਟੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਖਿੱਲਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪ ਫੁੱਲੋਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਬ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਫੁੱਲ ਕਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੇਨਾ ਵੇਨਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਚੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ, ਰੌਣਕ ਲੱਗਣੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਰੀਫ ਫੁੱਲ ਧਮਾਲਾ ਪਾਣੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਚੌਕ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਫਿਰ? ਇਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਭਾਬੀ ਕਹੂੰ ਆਪਕੋ, ਮੈਂ ਮਿਸਿਸ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕਹੂੰ, ਕਿਆ ਕਹੂੰ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਗੰਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਥਾਣੇ ਚ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ, ਆਪ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ। ਲੜਕੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਯਾਰ, कम से कम बीवी का गेटअप और होता है, लड़की का और। बाहर निकलने वाला ये कहना चाहते हैं आप? बाहर निकल के जरा पता चले कि आप शादीशुदा हैं, दूसरों को पता होना चाहिए कि आप शादीशुदा हैं। शायद शादीशुदा दसिए तो फिर लाइक्स नहीं बढ़ते। ਚਾਚੇ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ, ਚਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੇਡਦਾ ਕੇ ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੁਬੱਸਵੀ ਜਵਾਨ ਸੰਖ ਸੀ ਦੌਰ ਚ ਹੋ ਗਿਆ
ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਨੇ ਸਾ ਵੱਡੀ ਜੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋਬ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਅਮਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਬਾਇਆ ਪਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਫੜ ਲਿਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਰੈਂਬੋ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏ ਯਾਰ ਕਿਦ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰੇ ਕਿਦਰ ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ नाके पे रोका था तुमको यार नाके पे हाँ इसको मैंने बोला भाई मुंह सूंघा हाँ निकल गया शीशो ऊपर करके नहीं 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 वो आपने दारा बाबू को पकड़ा होगा हाँ दारा बाबू मुंह नहीं सूंघाता वो कौन है ये सरदार कुमार हमारे एक्टर ओए ये वो सरदार कुमार अच्छा माँ जी आप क्या कहना चाहती हैं मैं कहना चाहती हूँ फांसी खुले आप फांसी ये दिन नहीं मनाना चाहिए हाँ जी ते फिर प्यार करने वाले किथे जाके सेलिब्रेट करन यार एक मिनट आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ हाँ। प्यार मतलब बागों में जाके होता है मियां भी घर में बैठे एक दिन लाके ही रंजा की मल्ले से मिलते हुंदे सर बागों में यार सारो तो रश घट सी उदो जगह बहुत हुंदी सी हुण रश इना भी अपने घर च भी बंदा बैठा होवे ते बाहरों बच्चे झाती मारदे चाचा की करन रहे हैं बंदा उन्हें पूछे वे तू गली चो लंघ जा छोटे छोटे कमरे ने रैंबो साहब हाँ एक कमरे च छे छे जी रहे हैं साडा कमरा तो एडा छोटा एक बंदा तेल मल के सौंदा सुबह सारे नु लगा होगा जरूरी इसी दिन मनाना और दिन इंज दे प्यारे गुब्बारे नहीं मिलते ना दिल ले लाल रख मंगल दा रख लिए दिन मंगल नागा हुंदा यार ओ रख लिए साइड दा फट्टे ते बह गया सी इजहार मोहब्बत कर वे चिड़ी की मैं मस तेरे तेरे वेड़े च मैं बैठ कर रहा हां चिड़ी चिड़ी कहन दई तू ते मैनू हंसाई दित्ता तू भी मैनू हलाई दित्ता हां मैं गल सुन जे तानू ते दिलों सच्चा प्यार है हां सच्ची पूछो आहो है ना नहीं है ना है मेरे ख्वाबा दा शहजादा साडी लव मैरिज होई है जे ताडा सच्चा प्यार होवे ना ते हर दिन ही प्यार है क्या बात है हर पूरी नहीं है ओने जेड़ा ताडा अजकल नु की करन की जान दिया जी भी पता लग गया के अज प्यार मोहब्बत दा दे ने उन्होंने नहीं अपने काम करने देखो ची करो या पी करो कागज कागज दिखाएगा तू की बेच पकौड़े पाने कागज दिखाऊ मैं सू कह रहे अगर ताड़ी शादी नहीं भी हुई मैंने सिर्फ निकाहनामा दिखा दो तो बेशक जाओ हेलो ऐ पागल आदमी मैं कहता हूँ कागज निकालो हाँ कागज कटो हाँ नहीं तो फिर कागज दो मीडिया सारी दुनिया एंजॉय कर रही है दिल वाले गुब्बारे लेके आंदे ने चॉकलेट लेके आंदे ने फुल लेके आंदे ने मियां बीवी दी हद तक ते ठीक है तू समझ नहीं रही मियां तैनू खुली गल दसा गंदी गाल कढ़ के ए जेड़ियां लोकां दीयां धीआं भैणां जवान तंग दौर की गल कर रहे हो जो मियां बीवी एक दूजे का मुंह नहीं सी वेखते होंगे पता नहीं कि गलो शर्मिंदा से हम मीडिया का दौर इलेक्ट्रॉनिक का दौर है कैमरे च एक दूसरे व्याह होने तो पहले वेख ली था मोहब्बत होंगी एक दूसरे लव मैरिज हो रही जी जमाना बदल गया बदल गया जमाना कैमरे च वेखना होर गल है पिछले साल 14 फरवरी नू सानू एनजी फड़िया ते एनजी हवाला ते बंद कीता पिछले साल भी 6 साल हो गए कपल दोबारा फड़िया
ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਵੱਡਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੰਜ ਛੋਟੇ ਪਰਚੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੰਜ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਚੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਓ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸਕੋ पार्क के पिछले कोने में ले गया यार, कोने पिछले कोने में ले गया और पता है क्या कर रहा था? क्या अल्लाह माफी तोबा यार, देखो क्या क्या जमाना आ गया। क्या 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 अल्लाह माफी तोबा करो, क्या तोबा तोबा करो, तोबा करो अम्मा गंदी बात, तुम तो तोबा भी इस तरह करेगा नहीं। माँ जी तोबा नहीं कर रही, डुगडुगी बजा रही, पता नहीं ये बांदर भज गया है। अल्लाह माफी दे, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, सामने इसको बिठाए हुए और ऐसे करके बैठे। हाँ इस तरह हुए, गंदी बात, गंदी 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 और ये गलत है, सुन ला मासी। इस तरह हुए, इसको कहता है आई लव यू, उधर से मुझे शक हुआ है ये मियां बीवी हो ही नहीं सकता है। यार मियां बीवी क्यों नहीं हो सकते वो, यार मियां किधर आई लव यू, और आगे से मियां बीवी तो तब लगता कि इसके हाथ में आंडी वाला चमचा होता और इसके हाथ में भी कोई डंडा होता और कोई तूल भी ठीक कर रहे हैं, क्योंकि अजकल मियां बीवी का जो बने ना सिनेरियो, जो उन्होंने तस्वीर पब्लिक के सामने, उस गलों ठीक कह रहे हैं। जरा इन्ना प्यार करने वाले हो गए, शादी शुदा नहीं हो सकते। ऊपर से कागज भी नहीं है, कागज भी नहीं, कम पक्का है। बाल बच्चेदार आदमी है, कागज किसे लेके जाइए। रामो साहब मैं गोलगप्पे की प्लेट मंगाई है, इंज करके प्लेट मेरे अगे आई है, हली असी गोलगप्पा पाड़ के चने, पानी लगे तो तो पुलिस देखो ना पाड़न खट्टा रह गया, चने बाहर रह गए, गोलगप्पा देखो पाड़न ला रहे, तुसी भी जवानी से गोलगप्पे ही हो सो। हाय तेरा चाचा गोलगप्पे ले आंदा सी, नहीं तो तुसी पाड़े बगैर खादे नाल गोलगप्पे वाला भी हुंदा सी। कल भी मैंने आपसे पूछा और मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं कि 365 दिन में से सिर्फ एक दिन ही मोहब्बत का है, 364 दिन आप मोहब्बत क्यों नहीं करते? रैम्बो साहब आपको पता है कबीलदार बंदा जो होता है घर वाला जी, जो के बच्चों में उलझा होता है, बीवियां जो होती हैं उनकी खिदमत में लगी होती हैं, साल में एक दिन होता है जो तो बीवियां का मुंह जानी हुलिया ठीक लगता बंदे, तो बाकियों में क्या होता है, बाकी बच्चिया च लगी पैंपर बदल बदल उन्होंने मत बचियां सिर तेल ला के धुप्पे बैठिया होंगे सारा साल इंज कट दें, एक दिन बन सवर के जो सामने आदि ने फिर खाम का दिल करता भी अज इजहार ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। अच्छा। वो भी सानू मौका मिलता है ते एहो जे आ गए हो जा बंदे आ जांदे ने। वैसे आपने बड़ा गलत किया है, क्यों मोहब्बतें बांटने की बजाय उनमें नफरतें पैदा कर रहे हैं। हाँ। प्यार करने वाले मियां बीवी हैं। हाँ। प्यार करो, नफरत करो, जो मर्जी करो, कागज चेक करो, कागज दिखाओ यार, बाहर अपनी गाड़ी का लाइसेंस होना चाहिए, उसका कागज होना चाहिए, बाहर रूड़ी तो बहुत कागज पहने जा चुक ला सारा यार, मेरा प्रॉब्लम के मतलब होना चाहिए, मतलब नहीं आप तुसी नहीं मनाया, तुसी नहीं वैलेंटाइन डे मनाया, नहीं अब मेरा यार अब क्या बताया, तुम्हारा भाभी यार हाँ। हर साल 14 फरवरी को नाराज होके अपने बाप के घर चला जाता है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा, 14 फरवरी को नाराज होके बाप के घर जाता है। वो क्यों, वो क्यों? 13 फरवरी नु आउंदी है ते 14 नु चली जांदी, फिर साल मापियां नाल कटदी ते सिर्फ निकाह नामा जेब च रख के फिरदा रहंदा मेरी पेज दे ते मेरी बीवी ही मैनु दे दे। देखो ना यार, यार ये आप अपने घर के गुस्से निकाल रहे हैं। नहीं नहीं मेरा मतलब है कि वो मेरा बेगम उधर जाके मेरा शिकायत करता है कि ये जानबाज खान मेरा प्यार नहीं करता है। अच्छा जानबाज खान, जानबाज खान अलिया क्यों, खबरदार अगले साल मैं मेरा मियां जावांगे, ए चार बंदियां दी गवाही च मैं तानू दस रही हां, असी दोवें मियां बीवी हां, हुण थाने च सबूत दित्ता जी असी मियां बीवी हां। अच्छा एक मिनट जी, आपको इजारे मोहब्बत नहीं करने नहीं करन दित्ता, आप मेरे शो में इजारे मोहब्बत करें कोई नहीं रोकेगा, सुनाओ मैनु गाना चले। आंखें गजल है आपकी, चल झूठा, और होंठ है ओ खाला आराम ना बैठी, तने मैं दसा ये अम्मा बड़ा शुगली है ओए, ले जा इनू, उसका सारा मोशन तोड़ दिए, अम्मा शुगली है ले जा इनू ना ड्रामे च रख ले। आंखें गजल है आपकी और होंठ है गुलाब, सारे जहां में आपका कोई नहीं जवाब, आंखें गजल है इतनी सी बात, इतना इजहार करना था सारा आप सारी रात इनकी
क्या फर्क है आजकल के जमाने में और आपके जमाने में? बड़ा फर्क है पुत्र, बहुत फर्क है जी। अरे नशरियां भी कहंदे आंखे गजल है आप। हां ते बीवी हो दादी क्यों ना कवे? नहीं मैं भी बीवी सब मेनू केड़ा ने खर्चे ते रखया है। चाचा तू शिकरद सी ओदी तेनू खर्चे ते रखना सी। गल भी करनी है सुनदे ही नहीं है। अच्छा तुसी मियां बीवी सी जी की सिर मथे लाई है तुसी ते सारे की फर्क सी जी तुहाडी मियां बीवी च? देखो जी जद मेरा तुहाडे चाचे ना विआ आया ना हां उदो किसे होर ना भी होया। अपनी बीवी लेके आ जा मेरा। मैं जो तेरे चाचे ना मेरा ब्याह आया पुत्र जी। चाचे ना कितों हो गया? उन्होंने चाचा पिंडी हुंदा जी। उनका मतलब है उनके मियां मेरे चाचा हो गए। मिसाल चाचे ते कब्जा कर ले। चाचे ने तेरे ने मेरा जो कुंड चुके है। ओदियां चीखा निकल गई। आए बहुत अच्छे नहीं बहुत अच्छे कुंड चुके है ते मैंने किया वाह वाह किया वाह। क्यों नीचे से दही भले निकल आया? अबे नहीं वाह बल्कि अन्ने वाह। चाचे ने कहा भी तू उधर वाह मैं इधर वाह ना तू उधर वाह वाह रे वाह। कहंदा की हया दा पैकर मैं अपने घर लेके आया। अच्छा मेरे घर नु जन्नत बना दई। तू मोटे दे गमले रख ले सेवा करी खिदमत करी उस तो बाद जी साल बाद यानी के मुंह नहीं सी ना तैयार मुंह ते जांदा ही नहीं सी। अच्छा साल बाद जो मैं बच्चा दे सामने कीता ना हाँ। तो अखा चुके मेरे हल वेखिया डर गया। क्यों? मैं अल्लाह खैर करे रब नवाजा की हो कहना तू कौन है? रिश्तेदारों के सामने मियां बीवी बैठ के बात नहीं करते बंदा मंजी ते बैठा हुंदा सी ना ते बुढ़ी पीढ़ी लैके मंजी ते पावे नाल बहिंदी हुंदी सी। इन्नी शर्म बुढ़ी सी के बांदरी सी पावे नाल बन्निया हुंदा सी ना मैं तुमको बताता एक आजकल का मोहब्बत क्या है। एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता था दोनों ने जीने मरने का कसम खाया। एक 40 मंजिला बिल्डिंग पे चढ़ गए लड़के ने छलांग लगाई लड़की रुक गई आंखें बंद करके बोली कि मोहब्बत अंधी होती है। लड़के ने जाते हुए सुन लिया और पैराशूट खोल के बोला मोहब्बत कभी मरती नहीं है। एक गरम दस दस हो बताओ केड़ी मोहब्बत है? केड़ी मोहब्बत है खाला जान दे तुम्हारे दौर से मतलब जाहिलियत का दौर था रे मसा अपनी बेगम ने सार मुंह नहीं देखा किसे होर दी बां बड़ के टुर पो केड़ी गल है क्यों होर टुर पो यार आते हुन जब मुंह ही नहीं देखा तो किवें तुसी निशानी रखोगे मेरी बेगम कौन है? तो घर में होती थी ये तो कौन सा सारा दिन बाजार चली जाती है खेता च काम नहीं सी करदे बाहर नहीं सी जांदे पूरे पिंड नु मुंह बखा देता खावन नु खावन नु नहीं बहुत अच्छे तुसी ते पुठे ही लोक है पुठे साडीयां धौणा घुमियां ने अज कल दी जनरेशन जेड़ी ना गलत राह ते टुर पई है। चलो मां जी ये दस दो ताडी की निशानी लसी ए करने चाचे ने पता नहीं तुहाडी मोटे ते रंग लाया सी या मेरी बेगम या हाथ में सिगर लाया सी नहीं या उंगल वड्डी सी इक तरी पे और पछा मिसाले दे रही है मिसाले अपने अपने कोल रख खाला सानू जीण दे नवीं जिंदगी दौर तरक्की कर गया है। वेखो रैंबो साहब पहले दौर च ਲਾਹੌਰੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਉਣਾ ਸੀ 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ 1.5 ਘੰਟੇ ਚ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ 4 ਘੰਟੇ ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਸੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗੱਲ
ਦੌਰ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਭੇਜ ਦੇਸੋ ਹਾਂ ਚੱਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖਤ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕੋ ਕਬੂਤਰ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਖਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਇੱਕ ਡਾਕੀਆ ਚਾਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ ਲੋ ਤਾਰ ਭੇਜਦੇ ਸੋ ਖਤ ਭੇਜਦੇ ਸੋ ਕਾਰਡ ਭੇਜਦੇ ਸੋ ਤੇ ਚਾਹਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਤੇ ਪਏਗਾ ਆਏ ਹਾਏ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਡਿਆ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਮਾਂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਫੜ ਲਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਫੜ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਖਲਨ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਰਿਹਾ ਫੈਂਟੀ ਲਾ ਦੋ ਚਾਰ ਪੱਕੀਆਂ ਲਾ ਸਮਝ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਨੀ ਸਾਈਡ ਬਦਲਣੀ ਚਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੋੜੋ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢੋ ਕਾਗਜ਼ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸਾ ਦੇਣਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ 1500 ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢੋ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੀ ਉਹ ਗਾਂਵ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣਤੇ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਹਾਂ ਰਹਤਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜੀ ਮਨਾਓ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮਨਾਓ ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨ ਪਹਿਚਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਬਾਦੀ ਹੋਰ ਵਧਾਣਾ ਚਾਹਨੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਰੋ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਂਟੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਮਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਥੀਏਟਰ ਨਾ ਲਗਾਓ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਪਾਠ ਨਾ ਲਗਾਓ ਮੈਂ ਬਤਾ ਦਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਿੰਟਲ ਆਦਮੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਾਨਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਹੈ ਐਸਾ ਸਮਝਾਓ देखो रैम्बो भाई आपकी वजह से अभी तक इतना मैंने अपने आप को कंट्रोल किया नहीं तो ऐसे बंदा मैंने बड़ा बड़ा ठीक किया हुआ है मैंनु नहीं जानता अच्छा रैम्बो साहब इन्हें समझा दियो फिर तो कहना बीच में नहीं आवा बीच में से मसला क्या है एक मिनट एक मिनट आप उधर अपनी सीट पे बैठे मैं आवा अल्लाह दस ਆਪਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇ ਸਾਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰੇ ਜਾਲੀਆ ਤਾਂ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਤਫਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਛੋੜ ਯਾਰ ਲੰਡੇ ਦਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੰਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ ਗਿਆ ਲੰਡਨ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਲੰਡੇ ਚੋਂ
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਅੱਛਾ ਯਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਤੋ ਆਪ ਮੁਹੱਲਾ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਛੋੜ ਜਾ ਸਾਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਬਦਲਿਆ ਛੱਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਤਬਾਦਲਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਉਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਹਿਲੋਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣੀ ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਦਫਾ ਪਕੜਦਾ 6 ਸਾਲ ਸੇ ਹਾਂ अब तो कागज रख ले आप सर कागज रखने की लोड़ की है रैंबो साहब निकाल ना मैं केड़े मुल्क च फिरने से कोई झूठ बोलन दे ए छड़दा किवें भला हां जी सानू किस तरह जमानत होंदी है साडे घर दे आके निकालनामा वखांदे सानू ले जांदे ने अगले साल फिर फड़ लंदे निकालनामा जी साडे घर दे वड्डे हां भूल जाते हैं मतलब ये है कि देखो निकाहनामा पास होना चाहिए हेलो अब इसका मतलब है कि निकाहनामा नहीं है ना नहीं है ना केस बनता है केस रैंबो साहब एक साल बखा के जमानत हो गई अगले साल कहने फिर बखाओ रैंबो साहब निकाहनामा मेरे को नहीं है मैं कितों बखावा क्यों नहीं है निकाहनामा मेरे सहुरे ने रखे है सहुरे ने रखे क्यों ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੂਏ ਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੈਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਚ ਤੇ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਲਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ 0 ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਸਹੁਰਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਅਬ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ ਅਗਰ ਇਹ 2.5 ਲੱਖ ਨਾ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਹੇਗੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਂਗੀ ਜੇ ਲੋ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਮਾਂ ਜੀ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੱਡੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾਓ ਜੀ ਛੋਟੀ ਈਦ ਮਨਾਓ ਬਕਰਾ ਈਦ ਮਨਾਓ ਫਿਰ 6 ਸਤੰਬਰ ਮਨਾਓ 14 ਅਗਸਤ ਮਨਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਓ ਕਿ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਮਨਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਲੰਗਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਜੇ ਵੈਲਨ ਡੇ ਨਾਈਟ ਕੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ अपने त्योहार मनाने चाहिए कहने का मकसद है अपने त्योहार मनाए ना कि हम दूसरों के त्योहार अपने त्योहारों के ऊपर हावी कर दें कितना अच्छा लेक्चर दे रहे ने भाई साहब चले जाके देखो पूरे कमरे दिल वाले गुब्बारे लगे ने कमरे लगे ने ना सड़क ते तन ला के बैठा होया तुसी भी ले आंदे ना घर दो चीजा ले आदे ना हवाला जाना पेंदा हां सही है एक गुब्बारा ले जाते एक चॉकलेट ले जाते घर में ही हाँ। सर मैं ले जाना घर गुब्बारा बच्चे फूक मार के पाड़ देंगे मैं हम की करा उसे वैसे गल तुहाडी सही है हाँ जी कि सानू वो दिन मनाने चाहिए लोकी फखर नाल सानू वेख के कहन कि ए ने पाकिस्तानी हाँ जी असि वो दिन ना मनाइए कि लोकी कहन ए ने पाकिस्तानी हाँ जी नसीहत हो गई रैंबो साहब तुहाडे शो दे वजह नाल मेहरबानी बहुत मेहरबानी इंशाल्लाह अज असीं बेगम कोशिश करांगे अज तो बाद कि असीं जिहड़ा भी दिन आंदा है प्यार मुहब्बत दा दिन अपने घर च बह के ते अपणियां दे नाल मनाइए लेकिन रैंबो साहब आखरी गल सुन लो अगर असीं घर दे विच बह के वैलेंटाइन डे मनाए उत्थे भी आके कहेगा कागज़ दसो हाँ जी उत्थे बड़े ते मेरी ਲੱਤਾਂ ਭੰਦਿਆਂਗਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਬ ਵੀ ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੋ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਸ ਰੱਖੋ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਟੁੱਟੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਟੁੱਟੇ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬੰਦੇ 5-7 ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਆਪਕਾ ਔਰ ਚਲੇ त्योहार मनाने चाहिए लेकिन इतने भी नहीं कि अपने त्योहारों को हम भूल जाएं बिल्कुल अपने त्योहार ज्यादा मनाने चाहिए और ये जो रस्मी त्योहार है थोड़े बहुत होने चाहिए माँ जी आप बैठे आप अगले साल हिल मिलेंगे बहुत शुक्रिया जी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज रब राखा मेरे अल्लाह रब राखा आप देख रहे हैं जान रैंबो YouTube चैनल टैन टैन देखते रहिए हाँ ना